हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत। सबका सॉल्यूशन है डाउट नेट। बच्चों, आपका किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उसको क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, CBSE का हो, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या अन्य किसी बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, नीट या क्लास 6 टू 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउट नट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवाल के जवाब मिलेंगे डाउट नट पर। साथ ही अब डाउट नट पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे GB सर, NJ सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स के, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउट नेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए डाउट नेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। चैप्टर नंबर 13 है आपके एक्सपोनेंट एंड पावर। तो यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, जैसे 10,000 को इसने टुकड़ों में से बांट रखा है। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू है 10 की पावर हो गई है आपके 4। तो इसका मतलब जो 10 है ना, ये नंबर आपका बेस है। ये नंबर जो 10 है ना, 10 10 को हम कहते हैं बेस। अब यहां पर ये जो नंबर है, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट कहते हैं। बोलते समय आप पावर का यूज कर सकते हो। अगर आपको इसको बोलना है कि ये, तो अब अलग अलग बोलेंगे तो होगा ये बेस और ये आपके एक्सपोनेंट। ऐसे इसका मतलब होता है कि आपको 10 को 4 टाइम क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये चीज और ये चीज एक ही है कि 10 आपके कितनी बार है, 4 टाइम है। इसको बोलना है तो आप ऐसे कह सकते हो, ये ऐसे 10 रेज टू द पावर ऑफ 4, मतलब बोलते समय आपको पावर का यूज करना है। अगर आपको अलग अलग बोलना है कि भाई ये 10 क्या है तो बेस है, एक्सपोनेंट क्या है कि 4 है, तो बोलते समय तो आप सिंगल को अलग अलग बोलेंगे तो बेस और एक्सपोनेंट होता है। लेकिन उसको अगर पूरा नाम कि ये क्या लिखा हुआ है उसमें आप पावर का यूज करेंगे 10 रेज टू द पावर ऑफ 4 या 4th पावर ऑफ 10, ऐसे भी लिख सकते हो आप, 4th पावर ऑफ 10 भी आप लिख सकते हो। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 10,000 ये होती है। ये इसको ऐसे लिखना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 10,000, 10,000 के ऐसे हमने टुकड़े कर दिए इस टाइप से। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अलग अलग बोलना है तो बेस है ये वाला, ऊपर वाला एक्सपोनेंट है, और दोनों को अगर साथ में बोलना है तो आप लिखेंगे 10 रेज टू द पावर ऑफ 4, ऐसे आप बोल सकते हो। हम कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 10 रेज टू द पावर 4, ये आपका बेस है, ये एक्सपोनेंट है। बेस आपका 5 है, 2 आपका एक्सपोनेंट है, और पूरा बोलेंगे क्या बोलेंगे हम, 5 रेज टू द पावर 2। ये आपका बेस है 2, एक्सपोनेंट है आपके 3। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है आपके, अब इसका नाम लिखना है, मैंने बता दिया कैसे लिखते हैं इसको। आप देखो ऐसे लिख सकते हो आप, 5 रेज टू द पावर ऑफ 2, या इसे आप 2nd पावर ऑफ 5 भी कह सकते हो, या फिर आप इसे 5 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो आप इसे लिख सकते हो 5 स्क्वायर भी लिख सकते हो, 5 स्क्वायर भी आप ऐसे लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसे लिखा हुआ, इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 रेज टू द पावर ऑफ 3, या फिर आप इसे लिख सकते हो 2 क्यूब, क्या लिख सकते हो, 2 क्यूब्ड। इसे ऐसे भी आप लिख सकते हो, या चाहो तो इसकी जगह केवल 2 लिख दो ऐसे, 2 क्यूब्ड। पावर 3 होती है तो क्यूब लिखते हैं, पावर 2 होती है तो स्क्वायर लिखते हैं। इसे ज़्यादा हो तो आप ऐसे लिख सकते हो 10 रेज टू द पावर। ये तो आप, ये जो लाइन लिखी हुई ना, ये आप हर एक में लगा सकते हो, कहीं पर भी, इसमें भी लगा सकते हो, यहाँ पर भी लगा सकते हो। स्क्वायर तभी लगेगा जब पावर 2 होगी, क्यूब तभी लगेगा जब यहाँ पर आपके पावर 3 होगी, और ये जो नियम है ना ये सब जगह लगता है आपके। और स्क्वायर क्यूब केवल ऐसा हो तो लगता है, पावर 2 एंड 3 हो तो, और 2 और 3 में ये वाला भी लग सकता है, आप ये वाला भी आप बोल सकते हो। एग्जाम्पल 1 आपके दे रखा है,
एक्सप्रेस 256 एज ए पावर 2। तो 256 को आपको 2 की पावर में बताना है। तो उसके लिए क्या करोगे आप, सिंपल सा है, ऐसे आप कर लेना, 2 का डिवाइड करेंगे 128, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 64, फिर 2 का डिवाइड 32, फिर 2 का डिवाइड 16, फिर 2 का डिवाइड 8, फिर 2 का डिवाइड 4, फिर 2 का डिवाइड 2, यहाँ पर भी 2 और ये 1 हो गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 256 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आएगा आपके 2 × 2, आप चाहे से 8 टाइम लिख सकते हो, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम और 8 टाइम। अब पावर में लिखना है तो आप 256 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 8, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे टुकड़े करके आप सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 2 आपके दे रखा है, विच इज द ग्रेटर, बड़ा कौन है हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर वैसे होता क्या है, ये 2 नंबर ही ऐसे हैं केवल स्टार्टिंग के अंदर, स्टार्टिंग के केवल 3 नंबर ऐसे हैं जिसमें पावर कम है तो भी नंबर बड़ा हो गया। इसके अलावा इसके आगे जो भी नंबर है ना, 3 के बाद जो भी नंबर है उससे जब भी आप कंपेयर करोगे, जब आपकी पावर बड़ी होगी वो आंसर बड़ा होता है। बट स्टार्टिंग में 2 3 नंबर ऐसे होते हैं जिसमें पावर छोटी वाले बड़े नंबर बड़े होते हैं। सॉल्व करना, देखो यहाँ पर 2 की पावर 3, इसका मतलब हो गया 2 × 2 × 2, ये हो गया। सॉल्व करो कितना आएगा भाई आपके, 8 आएगा। अब नेक्स्ट है 3 रेज टू द पावर 2, तो ये हो जाएगा आपके 3 × 3 इज इक्वल टू होता है आपके 9। केवल 1 2 और 3 के अंदर ही ऐसा एक नियम है कि पावर छोटी है वो नंबर बड़ा हो रहा है। इसके बाद में सभी, इसके बाद जितने भी नंबर हैं उन सब में क्या है, आपके पावर बड़ी है तो नंबर बड़ा है। बस यहाँ पर 3 संख्याओं में ये नियम काम नहीं करता है कि यहाँ पर पावर छोटी है फिर भी देखो नंबर बड़ा हो गया। इसका मतलब है 2 रेज टू द पावर 3, ये वाला नंबर छोटा है और आपके 3 रेज टू द पावर 2 क्या है आपके, बड़ा है। मैं यहाँ पर ये ऐसे, अब देखो यहाँ पर पावर छोटी है फिर भी ये नंबर बड़ा हो गया। ये केवल स्टार्टिंग के 3 संख्याओं में ही काम करता है, उसके बाद में ऐसा काम नहीं करता है। जैसे अगर मैं मान लो यहाँ पर ले लूँ 2 की पावर 10 या 10 की पावर 2, तो इसमें जो पावर बड़ी है वो नंबर क्या होता है, बड़ा होता है। ये केवल 1 2 3 में ही कुछ उल्टा काम करता है, इसके अलावा कोई भी आप बड़ा नंबर लेते हो इसके पास में या इसके आगे पीछे कहीं पर भी नंबर अगर आप चेंज करते हो तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिसकी पावर बड़ी वो नंबर बड़ा होता है। लेकिन ये जो नियम है केवल 1 2 3 के बारे में ही लिखा हुआ है तो ये नियम काम नहीं करता, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान देना। एग्जाम्पल नंबर 3 आपके दे रखा है, मैंने बताया था 1 2 3 के अंदर वो नियम काम नहीं करता। अदर में देखो अगर आपके यहाँ पर लिखा हुआ है 8 की पावर 2 दे रखी है और एक 2 की पावर 8 दे रखी है, 1 2 3 के अलावा कोई नंबर इसके अंदर आ जाए, जैसे यहाँ पर 8 आ रहा है, 1 2 3 के अलावा जैसे ही कोई दूसरा नंबर आता है तो फिर क्या होता है, जो पावर होती है बड़ी, ये पावर बड़ी है, पावर पे डिपेंड करता है, ये पावर बड़ी है तो इसका मतलब ये नंबर बड़ा होगा, ये नंबर छोटा होगा। आप चाहो चेक कर लो, 8 की पावर 2 का मतलब होता है 8 × 8 इजिकल टू होता है 64। 2 की पावर 8 हमने अभी एग्जाम्पल नंबर 1 में पढ़ा था, तो 2 की पावर 8 एग्जाम्पल नंबर 1 में बताया था 256 होता है, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 128, 2 जा 256। और मैंने पहले ही बताया था केवल 1 2 3 में ये नियम काम नहीं करता है, 1 2 3 के अलावा कोई अदर नंबर आ रहा है तो हमेशा जो पावर बड़ी है वो नंबर क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। जिसकी पावर कम होती है वो नंबर छोटा आता है। अगर यहाँ पर 1 2 3 के अलावा कोई नंबर नहीं आ रहा है तो मतलब इनके अलावा नंबर आए ना तो पावर बड़ी होती है, वो आंसर हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। एग्जाम्पल नंबर 4 आपके दे रखा है, आपको इसको एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पर 4 संख्या हैं तो चारों को अलग अलग एक्सपेंड कर देते हैं। सबसे पहले आपके दे रखा है
ए रेस टू द पावर 3 एंड बी रेस टू द पावर 2। तो इसका मतलब होता है ए इंटू ए, और बी आपके कितनी बार हो गया है, 2 टाइम हो गया है। ऐसे यहां पर नेक्स्ट वाला दे रखा है आपके ए स्क्वायर बी क्यू, इसका मतलब होता है आपके ए तो दे रखा है आपके 2 टाइम बट बी दे रखा है आपके 3 टाइम। नेक्स्ट है आपके बी रेस्ट टू द पावर 2 एंड ए रेस्ट टू द पावर 3, तो इसका मतलब होता है आपके बी आपके दे रखा है 2 टाइम और ए दे रखा है आपके 3 टाइम। आप चाहो तो ए को आगे लिख दो, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ए को आगे लिख दो, ए इंटू ए बी इंटू बी। अब यहाँ आता है फोर्थ वाला दे रखा है आपके बी की पावर 3 और ए स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी इंटू बी और ए आपके है 2 टाइम। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए आगे एंड बी पीछे। तो यहाँ पर ध्यान लगाओगे देखो, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, बट यहाँ लिखा हुआ आर दे ऑल सेम नहीं है, ये और ये क्या है आपके इक्वल है, ये वाला और ये वाला। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो ए रेस टू द पावर 3 बी रेस टू द पावर 2 एंड बी रेस टू द पावर 2 ए रेस टू द पावर 3 आर सेम एंड ए रेस टू द पावर 2 बी रेस टू द पावर 3 एंड ए रेस टू द, यहां पर आगे पहले क्या है अभी आपके बी है, बी रेस टू द पावर 3 ए रेस टू द पावर 2 आर सेम। तो यहां पर भी ये 2 टाइम है, यहां पर भी 2 टाइम है, आगे मुझे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सेम है, ये दोनों सेम है, बट सारे के सारे सेम नहीं है, चारों के चारों सेम नहीं है। तो आप लिख सकते हो यहां पर बट ऑल ऑफ देम आर नॉट इक्वल, सबके सब बराबर नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 5 आपके दे रखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर, सबको एक्सप्रेस करना है, नंबर को खोलना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर, जो प्रोडक्ट है उसका क्या करना है आपको, पावर की फॉर्म में ऐसे लिखना है। जैसे यहां पर फर्स्ट नंबर आपके दे रखा है 72, तो हम क्या करेंगे भाई, इसको ऐसे वहीं पर ही टुकड़े करेंगे 72 के, तो ये होता है अभी 2 का डिवाइड जाएगा 36 टाइम, और 2 का डिवाइड करेंगे तो 18 टाइम, और 2 का डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम, फिर 3 का डिवाइड करेंगे 3 टाइम, फिर 3 का 1 टाइम। तो आप यहाँ लिखोगे 72 इजिकल टू 2 × 2 × 2 3 × 3, इसको चाहो थोड़ा इधर ऊपर की तरफ लिख सकते हो। अब 2 जो है ना आपके वो 3 टाइम है, ये 2 जो है वो आपके 3 टाइम है, और 3 वो है ना जो आपके 2 टाइम है, ऐसे ऐसे हम आंसर निकाल। अब ले रहे हैं हम यहाँ पर सेकंड ले रहे हैं, 432 ले रहे हैं, डिवाइड करो 432 में, 2 का डिवाइड कर दो तो ये आएगा आपके 216, और 2 का डिवाइड करेंगे तो 108, और 2 का डिवाइड करेंगे 54, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 27, फिर 3 का डिवाइड करेंगे 9, फिर 3 का डिवाइड करेंगे 3, फिर 3 का डिवाइड करेंगे 1। इसका मतलब है 432 का जो वैल्यू है वो आया है 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, फिर आपके × 3 × 3 × 3, तो 432 का मतलब हो गया है 2 आपके कितनी बार है, 4 टाइम है, तो 2 रेस्ट टू द पावर 4, 3 आपके 1 टाइम एंड 2 टाइम 3 टाइम है, तो 3 रेस्ट टू द पावर कितना हो गया अभी आपके, 2 हो गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसमें थर्ड आपके दे रखा है 1000, टुकड़े करेंगे ऐसे ही 1000 के, ये है भाई आपका 1000, 2 का डिवाइड किया
500, फिर 2 का डिवाइड किया 250, फिर 2 का डिवाइड किया 125, 5 का डिवाइड 25, फिर 5 का डिवाइड 5, फिर 5 का 1। तो इसका मतलब है 1000 इज इक्वल टू, पहले आपको एक बार ऐसे लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 5, फिर आपको लिखना है ये नंबर आपके 3 टाइम है, तो आपको लिखना है 2 रेस्ट टू द पावर 3। फिर 5 भी 3 टाइम है, तो 5 रेस्ट टू द पावर 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। फिर ले रहे हम फोर्थ, ये वाला फोर्थ में आपके 16000 दे रखा है, तो हम सॉल्व करेंगे 16000 का। 2 का डिवाइड किया तो 8 टाइम, फिर 2 का डिवाइड किया तो 4 टाइम, फिर 2 का डिवाइड किया तो 1000 टाइम, और 1000 का मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था, तो बस 2 आपके 3 टाइम ज़्यादा आ गया, तो आप यहाँ पर लिखोगे 16000 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 2। ये तो था ही 3 बार, ये 3 टाइम और आ गया आपके, ये 2000 आएगा ना पहले, फिर 2 का करेंगे तो फिर आपके 1000 का आएगा, तो ये 4 टाइम एक्स्ट्रा आएगा और ये 3 टाइम आपके दे रखा है, फिर 5 दे रखा आपके, तो ऐसे आएगा 16 8 4 2, फिर 1 1 का तो मैंने पहले ही कर दिया था, तो ये आएगा आपके 16000 इजिकल टू 2, आपके आया है 7 टाइम, 2 रेस्ट टू द पावर 7, और 5 आया है आपके 3 टाइम, ऐसे ये हो जाएगा आंसर। एग्जाम्पल नंबर 6 आपके दे रखा है, ये सॉल्व करना, सारे नंबर माइनस के हैं, ये प्लस का है बट यहाँ पर नंबर क्या है माइनस का, अगर कोई भी नंबर माइनस का है, कोई भी नंबर क्या है माइनस का है, और उसके ऊपर अगर आपके इवन पावर है, इवन एक्सपोनेंट जो भी कह दो आप, इवन अगर है पावर में, तो क्या करना है, अभी आपको आंसर लिखना है, इवन में है तो आपको आंसर प्लस में लिखना है, और अगर ऑड में है तो आपको आंसर माइनस में लिखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर देखो 1 की पावर 5, अब ये नंबर ऑलरेडी आपके प्लस का ही है, तो अब चाहे ऑड पावर हो चाहे इवन कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर माइनस हो तो ये नियम काम करता है, ये नियम तभी काम करता है जब आपके इस ब्रैकेट के अंदर या अंदर ये नंबर है ना वो आपके क्या होना चाहिए नेगेटिव हो, तभी ऐसा करना। अब यहाँ तो पॉजिटिव ही है, तो आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इजिकल टू आएगा 1। अब यहाँ आया है -1 की पावर 3, जैसे ही अंदर वाला नंबर माइनस का आता है, ऑड है तो माइनस है, तो यहाँ पर ऑड नंबर ही है 3, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, -1 -1 -1, आंसर तो 1 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस, और फिर वापस क्या हो गया अभी आपके माइनस हो गया, फिर है -1 की पावर आ जाएगी 4, अब यहाँ पर इवन पावर है तो आंसर किस में आएगा प्लस में आएगा, तो -1 इंटू -1 2 टाइम, -1 3 टाइम, -1 4 टाइम इजिकल टू होगा आपके कितना प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये आएगा प्लस का 1 हो जाएगा। फिर है आपके -10 की पावर कितनी हो जाएगी आपके 3, तो -10 इंटू -10 एंड इंटू माइनस का 10, अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, वापस क्या हो गया माइनस, तो ये नंबर माइनस का है और ऑड नंबर है तो क्या आएगा माइनस में ही आएगा आंसर। अब सॉल्व करो, 10 10 जा 100 100 10 जा 1000, ऐसे तो माइनस का 1000 आएगा। फिर है -5 की पावर 4, -5 की पावर 4, अब यहाँ पर इवन है, आंसर आपका पॉजिटिव आएगा, -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 25 इंटू 25 इजिकल टू 625, नंबर प्लस का ही आएगा माइनस का नहीं।